टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको देश में सबसे पहले राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश का पहला चैनल जो राम मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। और रात के वक्त आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये तस्वीरें देखिए आप, कितना भव्य और दिव्य ये राम मंदिर नजर आ रहा है। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ, रोशनी से नहाया हुआ, और आप एक एक तस्वीर देखते चलिए। ये राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस तरफ आप देखिए जो मंडपम बना हुआ है, वहां अगर आप देखेंगे, इस तरफ देखिए, बाई तरफ मेरे, वहां देखिए पूरी रोशनी से नहाए हुए राम मंदिर को आप देख रहे हैं। लाल रोशनी से पूरा मंडपम नहाया हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ। और यहाँ ये भव्य तस्वीरें आप राम मंदिर की देखिए। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आइए, दिखाइए जरा यहाँ ये तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता जो आपको राम मंदिर में लेकर जाएगा उसकी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मैं अपनी जूते उतार दूं, और ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का पल है कि हम राम मंदिर में आपको भी लेकर जा पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज, एक एक डिटेल को देखते जाइए, क्योंकि देश भर में लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरें देखी, लेकिन डिटेल हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं। इन फूलों को देखिए, ये इतनी खूबसूरत तरीके से इस पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है इस गलियारे को। यानी आप जैसे ही राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको हर रंग के, लाल, पीले, सफेद, बैंगनी और तरह के, ये खूबसूरत गुलाब देखिए, आपको हर तस्वीर देखकर आपका जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और आप देखिए, अब हम आपको राम मंदिर के अंदर, आइए अब आपको अंदर ले चलता हूं और राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ओ आपका मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं ये। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दरवाजा, क्या खूबसूरती। यहां जैसे ही आप घुसते हैं, आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राममय हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है, इतना खूबसूरत। और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर, सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है दीवारों पर। आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और अब मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, पहली बार टीवी पर पहला न्यूज चैनल जो आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए रामलला को, भव्य रामलला के दर्शन कर लीजिए। आपने आज सुबह तस्वीर देखी होगी, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो उस भव्य रास्ते से होते हुए, और यहां दिखाइए जिस तरह से मंडप सजता है, उस तरह से राम मंदिर इस वक्त सजा हुआ है। और इतनी खूबसूरत छटा चारों तरफ बिखरी हुई, ये सोने के दरवाजे, जय श्री राम, जय श्री राम। सोने के दरवाजे देखिए, नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए, जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए भैया, और अब मैं आपको रामलला के और करीब लेकर चलता हूं। पहली बार किसी न्यूज चैनल का कैमरा राम मंदिर के अंदर पहुंचा है, और आप देखिए भक्त यहां पर राम मंदिर में हर कोई प्रभु श्री राम की साथ सेल्फी लेता हुआ। ये तस्वीरें देखिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, ये देखिए थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह बस, ये देखिए देखिए, आइए अब दिखाइए प्रभु राम को। ओह इतना दिव्य, इतना भव्य। थोड़ा पीछे चलिए, मुझे भी लेते रहिए, ये देखिए, ये तस्वीरें देखते रहिए, प्रभु राम को निहार लीजिए। उनके हाथ में तीर है, उनके पास धनुष है, और आपने टीवी पर जो तस्वीर देखी होगी प्रभु राम की, उससे भी ज्यादा भव्य, मोहक और खूबसूरत दिख रहे हैं। और नीचे जो रामलला टेंट में थे वो भी रखे हैं, विराजमान हैं, उसके नीचे पूरे सोने की नक्काशी की गई है। और आप देखिए चारों तरफ से ये दरवाजा सजाया हुआ है। ऊपर भगवान विष्णु, दिखाइए दरवाजे के ऊपर भगवान विष्णु सोई हुई मुद्रा में दिख रहे हैं। इन मालाओं को देखिए, अपने आप में भव्य और बहुत ही शानदार। सर आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया, इतनी सिक्योरिटी, लेकिन मुझे एक एक बात बताइए, आप लोगों को आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, हम लोग अभी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ प्रभु राम की, देखते चलिए। राम भक्त जो है राममय हो रखे हैं, एक एक तस्वीर। सर बस हमने कोने से पकड़ रखा, आप सोचिए देश भर के लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप इधर से दिखाते चलिए,
अच्छा इधर दिखाइए, हनुमान जी भी है, ये तस्वीर दिखाइए, इधर इधर दिखाइए, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं बाहर में, ये देखिए हनुमान जी बैठे हुए सामने। बिना हनुमान के आप प्रभु राम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये भावनाएं देखिए कैसा लग रहा है प्रभु राम को देखकर। ये तस्वीर है, अब आपको और डिटेलिंग राम मंदिर की दिखाता हूँ। पहली बार ये देखिए तस्वीरें, राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें, और मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊं। आइए जरा आपको सोने का दरवाजा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इस दरवाजे की बड़ी चर्चा हुई है, इसको दिखाइए जरा। ये वो सोने का दरवाजा है जिसकी बड़ी चर्चा हुई है, और इसमें आप देखिए मोर बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये पूरे मोर की नक्काशी है। बड़ा सा लॉक लगा हुआ है, ये सिटकिनी देखिए कितनी लंबी, मुझे लगता है 3-4 फीट की सिटकिनी है। और ऐसे 14 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये सारे सोने के दरवाजे हैं। ये हैंडल सोने का, ये सिटकिनी सोने की, इसमें जो पेंच लगा है ये सोने का, सब कुछ सोने का यहाँ पर बना हुआ है। तो पहली बार राम मंदिर के अंदर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ प्रार्थना भी लिखी हुई है, और ये भी मुझे लग रहा है सोने का ही है, जिस पर लिखा है जयत्य तिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा भी पालित दासो हम कोसलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च सहस्रश अर्धयत्वा पुरी लंकामन विवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामी मिष्टाम सर्वरक्षिसाम वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण में से ये मंत्रोच्चार यहाँ पर। आपको और दरवाजे दिखाता हूँ, ये सोने के दरवाजे देखते चलिए, ये भी सोने का दरवाजा, ये भी एक और दरवाजा देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गजराज बने हुए हैं, ये तस्वीर देखिए यहाँ गजराज बने हुए हैं, सोने की नक्काशी, यहाँ नीचे फूल बने हुए, इतनी खूबसूरत छटा, ऊपर जो है वो नृत्य करती हुई अप्सरा बनी हुई है। यानी प्रभु राम के इस लोक में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अद्भुत देखा है। और यहाँ देखिए जिस तरह से तस्वीर है, सारे लोग प्रसन्न अभिभूत। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये भी एक मंडपम की तरह आपको तस्वीर दिखेगी। यहाँ ऊपर की नक्काशी देखिए, बस यहीं से दिखा रहा हूँ ये ऊपर की नक्काशी देख लीजिए कितना खूबसूरत, एक एक काम बारीकी देखिए आप, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया। इस जरा अप्सरा को दिखाइए नृत्य करती हुई, इस पूरे पत्थर में आप देखिए कैसे अप्सराएं उकेरी गई हैं, जो कि अपने आप में दिखाती हैं कि कितने कम समय में कितना शानदार काम इस राम मंदिर में हुआ है। यहाँ आप देखिए जिस तरह से पुराने जमाने में नक्काशी होती थी और कई कई सालों में मंदिर बनते थे, वैसे यहाँ बने हुए। ये देखिए इधर भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको जो नक्काशी है बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अब आपको राम मंदिर का अगला हिस्सा भी दिखाता हूँ, आइए उधर का हिस्सा दिखाता हूँ। ये राम मंदिर का भी आपने एक हिस्सा देखा है, आपको सबसे पहले प्रभु राम के दर्शन कराए, रामलला के दर्शन कराए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं और आज रामलला को देख रहे हैं वो सब भावुक हैं, भाव विभोर हैं। हम सच में, हमारी जो पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उनका एक सपना था कि आज मंदिर बन जाए, लेकिन हम युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये मंदिर बन गया है। सब गौरवान्वित है बॉस, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। देखिए, और अब मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, इस तरफ से आइए। आपको मैंने सबसे पहले रामलला के दर्शन कराए, अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ। और देखिए जितने सुरक्षा कर्मी हैं वो भी फोटो खिंचा के घर भेजेंगे कि हमने यहाँ सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, प्रभु राम की सेवा भी की है। अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर आप देखेंगे कि कितना शानदार कार्यक्रम हुआ है। ये देखिए एक बार ऊपर इस गुंबद को देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे बार बार दिखाया जा रहा था। आप देखिए ऊपर से जो है इतनी शानदार मंडप है ये, और यहाँ पर जितनी अप्सराएं बनी हैं उन्होंने हाथ में माला ले रखा है, जैसे वो प्रभु राम को माला पहना रही हूँ। उसके ऊपर जो है वो मोर बने हुए हैं, सबसे ऊपर के हिस्से में वीणा वादन हो रहा है, और बीच में आप देखेंगे क्या नक्काशी है, मतलब आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर रह जाएंगे कि आपने शायद ही किसी मंदिर में इतना खूबसूरत काम देखा होगा। उसके नीचे के हिस्से में आप देखिए, नीचे के हिस्से में दिखाइए, ये जो फूलों से सजाया गया है,
बहुत ही सुंदर काम, बहुत ही सुंदर और भव्य राम मंदिर नजर आता हुआ, पहला चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इधर देखिए और आते जाइए, ये देखिए, ये नक्काशी देखिए, क्या जबरदस्त है, ये एक एक देखते जाइए कितनी खूबसूरती से एक एक देवी देवता को, ये देखिए, ये देखिए माँ सरस्वती वीणा ली हुई हाथ में उनको उकेरा गया है। ये गणेश जी को देखिए, नीचे दिखाइए गणेश जी, ये गणेश जी को देखिए, ये गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं और सारे जो हैं ये पत्थरों को की नक्काशी करके बनाए गए हैं। आप देखिए ऐसा नहीं है कि ऊपर से लगा दिया गया है, इन्हीं पत्थरों को काट कर तराश कर ये सारे जो आपको कलाकृतियां दिख रही हैं, जो आपको देवी देवता दिख रहे हैं वो बनाए गए हैं और इनको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जरा एक बार बाहर की तस्वीर भी दिखाता हूँ राम मंदिर की, फिर आपको अंदर लेकर आऊंगा। जरा देखिए बाहर क्या दिखता है, अभी आपने रामलला के दर्शन किए, अब जरा बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए जरा बाहर की तस्वीर, आइए, हाँ अभी लेते हैं, अभी लेते हैं सेल्फी बाद में, पहले राम लला की ये तस्वीर, ये मंदिर लोगों को देख लेने दीजिए कितना भव्य और दिव्य मंदिर दिख रहा है। अब आपको ग्रैंडनेस पता चलेगी इस मंदिर की कि कितना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और इसमें आप देखिए एक तरफ दो आपको सिंह दिख रहे हैं, जय जय श्री राम, और सामने देखिए जय श्री राम, और उसमें दीवार पर देखिए आपको प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वरूप दिखता हुआ, लाइट के जरिए इसे उकेरा गया है। जरा और पास जाकर दिखाइए, ये देखिए दीवार में ओम जय श्री राम लिखा हुआ, लेकिन नीचे देखिए दीवार में माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों की छवि साफ नजर आती हुई। नीचे देखिए लोग नृत्य कर रहे हैं, राम मंदिर में आज दिवाली है। ये देखिए तस्वीरें राम मंदिर के अंदर की, आज यहाँ कोई सोएगा नहीं, सब नाच रहे हैं, सब दिव्य हो रखा है, सब लोग मस्त हो रखे हैं। तस्वीरें देखिए आप, क्या शानदार कार्यक्रम, क्या भव्य कार्यक्रम, आपके सामने तस्वीरें हैं, ये देखते चलिए। बगल में ये गजराज दिखाइए, ये गजराज खड़े हैं, इसमें नक्काशी देखिए, सब बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया है। यहाँ सिंह दिखाइए, ये सिंह द्वार, ये गज द्वार, और वहाँ हनुमान जी बजरंग बली की इजाजत के बिना प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे करेंगे, तो वहाँ बजरंग बली बनाए गए हैं। और ये संगमरमर के की सीढ़ियां जिससे आप चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर आएंगे यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आपने कुछ बहुत ही शानदार देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बरसों का इंतजार है वो कसक खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक बार के लिए आएंगे तो लगेगा चलो कोई बात नहीं इंतजार था, लेकिन जब इंतजार खत्म हुआ है तो कितना शानदार पल निकल कर आया। ये देखिए लोगों की भावनाएं देखिए किस तरह से, और अब आप ये मुख्य द्वार देखिए, ये देखिए यहाँ से आपकी एंट्री होगी। जरा बीच से दिखाइए कितना सुंदर, जैसे किसी शादी में मुख्य द्वार सजाया जाता है उस तरह से इसको सजाया गया है। और जैसे ही आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे हर जगह आपको नक्काशी में गणेश जी की तस्वीर नजर आती है, आपको इस मंदिर की परिक्रमा करने का भी मौका मिलेगा। तो आसपास का जो हिस्सा बनाया गया है वो भी खूब चौड़ा बनाया गया है कि आप आराम से आइए। अच्छा यहाँ पर भी देखिए फूल लगाए गए, सुंदर फूल, मतलब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको हर वक्त जो है आह्लादित महसूस होगा। चारों तरफ दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए लगे हैं और नीचे फूल। और ये देखिए अब जरा मंदिर का एरिया दिखाइए, कितना भव्य और बड़ा मंदिर है, मतलब आप जिधर तक देखिएगा नजर जाएगी उधर तक कुर्सियां। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पवन पुत्र की एक और मूर्ति जिसमें वो नमन कर रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। कैसा लगा मंदिर में आके आप लोगों को जरा बताइए, आइए मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आया? बहुत, एकदम जबरदस्त, ऐसा मंदिर देखे हैं? कभी नहीं, स्वर्ग से भी अच्छा, और ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे स्वर्ग में खड़े हैं। जाने की बहुत अच्छा बना है, लेट हुआ लेकिन अच्छा बना है। यही मैंने कहा कि भले आप देखिए 500 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि जब बन गया है तो किसी को अफसोस नहीं हो रहा है। अच्छा रामलला की मूर्ति कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक, नजर ही नहीं हटती, नजर ही नहीं हटती। अच्छा टीवी पे जैसी दिख रही है उससे सामने थोड़ी अलग दिख रही है, सामने और आपको लग रहा है? बहुत अच्छी, सामने बहुत दिव्य दिख रही है, जैसा मंदिर दिव्य है उससे अधिक मूर्ति दिव्य है, लग रहा है ऐसे उसमें सही में प्राण है, प्राण है। ये आपने सही शब्द कहा कि आप जब सामने से देखिएगा तो आपको सामने बैठे हो रामलला हमारे सामने, सामने से जब आप मूर्ति को देखिएगा तो आपको लगेगा कि रामलला आपके सामने। यहाँ देखिए, यहाँ जय श्री राम, गेंदे के फूलों से
जय श्री राम लिखा हुआ, हर तरफ से मंदिर सजा हुआ है और राम में देश नहीं दुनिया हो रखी है, उसकी वजह आपके सामने है। पहली बार आप राम मंदिर को देख रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है, मैंने आपसे कहा कि आप सामने से देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या गजब है, एकदम साक्षात आप रामलला से मिल रहे हैं। लेकिन हम यही कर सकते थे कि आपके लिए सबसे पहले वो तस्वीरें नवभारत पर लाइए। फूल देखिए, ये फूल से मोर बना दिया गया है, ये देख रहे हैं कितना शानदार नक्काशी देखिए, और साथ में उसके आगे फूल देखिए कितने खूबसूरत ढंग से फूलों से मोर को उकेर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, ये दाहिनी तरफ अब जब आएंगे तो ये द्वार यहाँ दाहिनी तरफ से दिखता है, और यहाँ की भी नक्काशी देख लीजिए आप, हर तरफ से आप जो है हर तरफ से राम मंदिर को देखते चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगला द्वार दिखाया, आप दाहिनी तरफ से आएंगे तो कैसा द्वार है, कुल 18 द्वार हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूँ, ये 18 द्वार, फर्स्ट फ्लोर पे 18 द्वार और उसके ऊपर 15 द्वार होंगे। ये देखिए, एक बार मोर दिखाइए कितना खूबसूरत फूलों से मोर बनाया गया, ये देखिए क्या शानदार तरीके से, पीछे आके जरा जूम आउट करके रुक जाइए, अभी देखिए कितना शानदार। अब आप यहां से थोड़ा इस तरफ आइए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप परिक्रमा करते हुए जब आप ऊपर आएंगे, पूरा राम मंदिर आपको टाइम्स नाउ भारत पर पहली बार देश देख रहा है राम मंदिर को पूरी तरह से, अंदर आपको गर्भगृह दिखाया, रामलला के दर्शन कराए, पूरा मंदिर आपको एक बार में दिखा दे रहा हूँ। जो लोग नहीं आ पाए आज टीवी को छू लीजिए, नवभारत देखते देखते टीवी को छूए और आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए क्या शानदार नक्काशी, क्या खूबसूरत काम हुआ हुआ है। अब आप तस्वीर देखिए, अब आपको ले आया हूँ उस जगह पर जहां पर हवन कुंड बनाया गया, ये देखिए ये ऊपर शानदार नक्काशी, ऐसा लगता है आप त्रेता युग में हैं, किसी महल के अंदर हैं, ये मंदिर कम एक महल ज्यादा लगता है। और प्रभु राम जिन्होंने 500 साल इंतजार किया इस पल का, राम भक्तों ने इंतजार किया इस पल का, और प्रभु श्री राम जिन्हें टेंट में रहना पड़ा, वो टेंट से निकलकर अब वास्तव में आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वास्तव में वो महल के अंदर आए। और आप देखिए इन सोने के दरवाजों के पास लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए, ये घंटा आपको दिखाता हूँ, ये घंटा जो बज रहा है, जी 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 जी, ये देखिए ये घंटा, ये आपको घंटा दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये आपको घंटा दिखा दिया, आपको एक एक चीज दिखा दी, रामलला की तस्वीर दिखा दी, फूलों को दिखा दिया, दरवाजों को दिखा दिया, और आपको वो महसूस कराया जो आपको बहुत सारे लोगों को ये अफसोस था कि काश हम जो है वो आज अयोध्या में होते, बहुत लोगों को ये अफसोस था। और ये देखिए एक और खास चीज इस मंदिर में, देखिए ये फूल के पत्तों पे, देखिए पत्तों पर श्री राम को उकेरा गया है, ये देखिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे पत्तों पर भी प्रभु राम बने हुए हैं। ये देखिए जय श्री राम पत्तों पर, ये देखिए राम मंदिर पत्तों पर, रामलला पत्तों पर, ऐसे पौधे आपने नहीं देखे होंगे, उधर दिखाइए, ये सारे रियल पौधे हैं, ये नकली पौधे नहीं है, ये सारे रियल पौधे हैं जिनमें रामलला प्रभु राम सब पौधे पर बने हुए हैं, यानी इस मंदिर में कुछ भी नहीं छूटा। आइए तो ये राम मंदिर का एक हिस्सा आपको दिखा दिया, और देखिए जैसे अगर प्रभु राम का महल होता तो खिड़कियां होती, तो वैसे खिड़की का रूप दिया गया है, हर एक चीज आप देखते चलिए किस तरह से बनाई गई है, गजराज के ऊपर जो है वो शंख पर प्रभु बैठे हुए, सारी चीजें इतनी सुंदर है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी कई मंदिर देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। हमारे सहयोगी सत्या मौजूद है, सत्या आप तो बहुत धार्मिक कामों में रहते हैं, बताइए ऐसा मंदिर देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग किस्म का मंदिर, और यहाँ आते ही इस मंदिर में आपको बिल्कुल एक देवत्व का अनुभव होगा। इधर से आई तो पीछे मंदिर दिखता है, शानदार अनुभूति। हाँ, शानदार। इस मंदिर में आपको क्या अलग दिख रहा है? बड़े मंदिर, उतनी ही सुंदर रामलला की प्रतिमा और उतना ही सुंदर मंदिर। अच्छा, एक चीज मुझे लगी कि रामलला की जो प्रतिमा है वो टीवी पे जैसी दिख रही है उससे और जीवंत एकदम सामने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सामने से कोई फोन में या कहीं पे जो देख रहा है वो लग रहा है कि अब ये प्रतिमा बोल उठेगी। अभी हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि लगता है जैसे कि प्रतिमा के अंदर प्राण है, वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ है, प्राण प्रतिष्ठा एकदम बिल्कुल ऐसा करके, ऐसा भावुक पल है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो मतलब सब भावुक हो रहे हैं, आप पत्रकार हो, आप कोई हो, सब भावुक हो रहे हैं। सर मेडिकल सर्विस, अरे वाह सर,
आज आपका भाव क्या है जरा बताइए। जी जी बहुत बढ़िया, आज तकरीबन 7,500 लोग यहाँ पर थे, विशेष लोग यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग अगले एक हफ्ते में आने की उम्मीद है। और मैं कंप्लीट राम जन्मभूमि मेडिकल सर्विस, एक हफ्ते में 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है क्योंकि इतनी भीड़ है बाहर, इतनी भीड़ है। और आप किस्मत वाले हैं चैनल भी जो मंदिर के अंदर पहुंचा है। सही बात। और रियली वाकई में बहुत किस्मत वाले हैं कि राम लला आए और हमने उनके दर्शन कर लिए। और हमने आपको भी प्रयास किया है कि दर्शन करा दूं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको यात्रा करनी कैसे है, क्योंकि देखिए हेल्दी यात्रा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में आप अपनी दवाई लेकर चले, यहाँ बहुत ठंड है तो उसके हिसाब से कपड़े भी लेकर चले। सही बात। जी 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 सही बात। आपके अंदर भले गर्मजोशी भरी हो कि राम लला आ गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पतले कपड़े लेकर आ जाइए और निकल पड़िए। आप जरा इस तरफ से देखिए, ऊपर देखिए, शिखर देखिए, जहां पर एक लाइट जल रही है जिसे दिए की तरह दिखाया गया है। और नीचे उतरते चले जाइएगा तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत सजावट, कितनी खूबसूरत सजावट। मतलब ऐसा लगता है कि अगर वाकई प्रभु श्री राम का महल त्रेता युग में रहा होगा तो ऐसा ही रहा होगा। और मैं एक चीज आपको सुशांत जी ये बताऊं कि अभी तो फिलहाल आइए चलते चलिए, आप दिखाते रहिए तस्वीरें हैं, जिस वजह से भी थोड़ी सुंदरता है अलग। लेकिन जब ये फूल पत्तियां नहीं भी होंगी तो ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि इससे नजर हटाना मुश्किल है। सही बात, ये सत्या सही बात कह रहे हैं कि हालांकि मुझे लगता है कि फूल पत्तियां हटने की कोई वजह नहीं होगी, इसमें से कुछ कम हो सकती हैं क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो इसलिए शायद ज्यादा फूल हैं। लेकिन कल को थोड़े कम भी हो जाएं तो भी ये जो मंदिर है ना, ये आपका मन मोह लेगा। और ये फूल तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? जौनपुर से आए हैं। कैसी लगे और कैसा लगा मंदिर, कैसे लगे रामलला? हम बताए 500 वर्षों बाद ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते सर, भाव निकल जाएगा। रो रहे हैं हम, 6,000 परिवार को अक्षत दिए और उसमें सभी लोग रो पड़े अक्षत पा करके। 500 वर्षों के बाद हम आज रामलला हमारे विराजे हैं, क्या बताए, इसके लिए शब्द नहीं है। आज नींद आएगी सबको, बहुत अच्छी नींद आएगी, हमारे नींद नहीं आएगी, ये खुशी नहीं सो पाएंगे हम। जो भी हमारे कार सेवक बलिदान हुए थे, आज उनका बलिदान सफल हुआ है, आज उनकी आत्माएं खुश हुए इनकी। देखिए ऊपर से भी लोग भी देख के आशीर्वाद दे रहे होंगे उनके घर वालों को, परिवार वालों को। बस इतना ही कहूंगा, सब रोवा रोवा हम लोग का प्रफुल्लित है। देखिए बोलते बोलते आवाज लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, यही तो भाव है। ये कह रहे मन कर रहा है मंदिर छोड़ के जाए नहीं, पुलिस वाले दौड़ा देंगे। लेकिन आपका भाव सही है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भावुक नहीं होना है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर जहाँ पर हर कोई प्रभु श्री राम के रामलला के पहले दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये भाव देखिए कि पुलिस वाले भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जरा सेल्फी खींचने में मदद कर दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये तस्वीर अब ये राम मंदिर में, आपको थोड़ा बाहर और लेकर चलता हूँ, जरा इस मंडपम की तस्वीर दिखाता हूँ जिसे हमने आपको दिखाया है अभी तक, कि यहाँ पर आपको लाल रंग से ये पूरा देखिए, आतिशबाजी भी शुरू हो गई। जो हम कह रहे थे कि दिवाली है तो वो आतिशबाजी भी लगातार चल रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इस मंडपम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा इलाका है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि करीब 2.5 करोड़ लोग जो है वो मंदिर में आएंगे, वो दिखता है कि हाँ ये मंदिर एक हफ्ते में 2.5 करोड़ लोगों को धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आके कहाँ फंस गए, इतनी जगह है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर घुस जाएं, लेकिन सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद दिख रही है और इंतजार हो रहा है कि कैसे मौका मिले तो ये सारे लोग अंदर जाएं। जो यहाँ खड़े हैं उनका इंतजार तो 500 साल से भी लंबा है कि बस ये पल खत्म हो और हम अंदर घुसे। आप प्रभु श्री राम को उनके इस महल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं, उस जगह पहुंचता देख रहे हैं जहां हर राम भक्त चाहता था कि प्रभु श्री राम पहुंचे, सालों पहले पहुंचे, इंतजार रहा, लेकिन प्रभु श्री राम ने वो वक्त चुना कि कब उनको यहां आना है, किसके माध्यम से आना है। इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें चुना प्रभु श्री राम ने कि मुझे यहां तक आना है तो मेरा माध्यम जो है वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। एक बार और देखिए, जितनी मूर्तियां देख रहा हूं मन कर रहा है आपको दिखा दूं। ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति, डिटेलिंग देखिए, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है, सजाया गया है। यहां देखिए एक और मूर्ति आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा इस तस्वीर को देखिए, ये शिव जी जो हैं
वो शिव तांडव करते हुए उसकी तस्वीर है। क्या ऐसा है जो आप छोड़ें? मतलब ये मंदिर तो आप घंटों घूम सकते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर लें, उनके अंदर समा जाएं, ये भाव तो है ही, लेकिन यहाँ देखिए शिव जी एक और रूप में, यहाँ जो है शिव जी बैठे हुए हैं और हर मूर्ति ऐसी है जिसको आप नजरों में बसा लेना चाहते हैं। एक बार ये मंडपम फिर से दिखाइए, इतना खूबसूरत मंडप आपने शायद ही किसी मंदिर में देखा हो। ये देखिए भजन चल रहा है, आप मंडप दिखाते रहे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, आ मेरी झोपड़ी के गाया भूल जाएंगे, राम आएंगे ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू से, जम्मू से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, बिजनौर, अहमदाबाद, हम रामपुर से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से, नासिक से, महाराष्ट्र, अमरोहा से। देखिए आप देख रहे हैं पूरा इंडिया यहाँ है, कौन छूट गया? कटरा वैष्णो देवी से पूरा इंडिया यहाँ खड़े होकर प्रभु राम के गीत गा रहा है। कैसा लग रहा है मंदिर देखकर? बहुत अच्छा, मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध। जय जय श्री राम। आप लोगों ने अकल्पनीय, ऐसा कभी अकल्पनीय आप लोगों ने देखे, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ जब राम मंदिर बन रहा था तो हर आदमी इमेजिन करता था कि रामलला की मूर्ति कैसे होगी और राम मंदिर कैसे होंगे। आपकी इमेजिनेशन से क्या ये और अच्छा है? बिल्कुल, इतना अच्छा नहीं सोचे थे सर, सपनों से सुंदर हमारा परम सौभाग्य है, यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा है, यही कह रहे हैं। त्रेता युग टू है, ये त्रेता युग टू है। 1990 में भी हम आए, 1992 में भी आए और फाउंडेशन रखी के जब भी आए और फिर वो राम ने आप भी बुलाया। जय श्री राम के नारे गूंजते हुए और ये प्रभु को देखिए, माता पार्वती के साथ और नंदी जी को देखिए, नंदी जी यहाँ मौजूद, प्रभु शिव जी और माता पार्वती जी। तो आप ये भाव कहाँ से ले आएंगे? आप देखिए जो ये भाव है कि लोग जो है बस इन यादों को समेटते चल रहे हैं और ये जिस तरह से मंदिर को सजाया गया, आप कितने मंदिर आए होंगे लेकिन आपने ऐसा भाव नहीं देखा होगा कि लोग अंदर आ रहे हैं और अभी तो लिमिटेड लोग हैं। आप सोचिए रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो क्या तस्वीर होगी, क्या भाव होगा, वो देखने लायक होगा। तो प्रभु श्री राम के इस मंदिर से एक बार चारों तरफ देखते हुए आपको ये एक्सक्लूसिव